रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ। यदि आपके भी शॉर्ट वीडियो पर कुछ इस प्रकार का जीरो व्यूज आता है, जैसे इस भाई के शॉर्ट चैनल पर जीरो व्यूज लगातार आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये भाई डेली वीडियो बनाते हैं फिर भी इनके शॉर्ट वीडियो पर जीरो व्यूज आता है, और इन्होंने 68 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और लगातार जीरो व्यूज आता है, और कुछ इस प्रकार का इनके शॉर्ट वीडियो पर मिलियन व्यूज नहीं जा रहा है और इनकी कोई शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होती है। तो यदि आपके पास यही सेम प्रॉब्लम आता है, आपके शॉर्ट वीडियो पर लगातार जीरो व्यूज आता है, 1K, 2K, 3K पर आपकी वीडियोस स्टॉप हो रही हैं, या तो आप लोग सामने यह समस्या आता है, पहले आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज यार आ जाता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आता, ओनली आपके शॉर्ट वीडियो पर जीरो व्यूज आता है जैसे इस भाई के चैनल पर आता है। तो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो आपके शॉर्ट चैनल पर जीरो व्यूज की समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी और आपके शॉर्ट वीडियो पर कुछ इस प्रकार का व्यूज आएगा। और इस वीडियो पर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा, जब आप लोग शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हो तो आप लोग वायरल टाइटल कहां से लेना है, वायरल हैशटैग कहां से लेना है, क्योंकि अगर आप वायरल टाइटल एंड वायरल हैशटैग अपने वीडियोस पर यूज करते हो तो आपके शॉर्ट वीडियो पर कुछ ज्यादा व्यूज आता है और आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड्स पर लगना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मैं आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स का तीन सिस्टम बताऊंगा, अगर आप लोग तीनों सिस्टम को फॉलो करोगे तभी आपके शॉर्ट चैनल पर जीरो व्यूज से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों को तरीका बताऊंगा तीनों तरीका भाई यूट्यूब के ऑफिशियल है, वही आप लोग समझना है जिससे आपके शॉर्ट चैनल पर जीरो व्यूज से छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरा पॉइंट, मैं आप लोगों को ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपके शॉर्ट चैनल पर लगातार यार अच्छा खासा व्यूज आएगा, और वहीं पास मैं आप लोगों को वायरल टाइटल एंड वायरल हैशटैग लेने का तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना, साइड पर स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूं। मैं आप लोगों को दो पॉइंट बताऊंगा यूट्यूब चैनल के सेटिंग पर जाकर, जिसको आप लोगों को अपने चैनल पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो साइड पर स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूं, फिर मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर साइट पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं सिंपली यार क्रोम ब्राउजर ऐप पर आता हूँ, ठीक है। आप लोग को भी क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है जैसे मैंने ओपन कर लिया है। हम यूट्यूब चैनल की सेटिंग पर जाएंगे और वहां पर दो सीक्रेट काम करेंगे जिससे हमारी शॉर्ट वीडियो पर ज्यादा इम्प्रेशन भी जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड्स पर लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर ऐप पर आ जाना है एंड आप लोग यहाँ पास आकर सर्च कर देना है, इस प्रकार सर्च करिएगा studio.youtube.com, इस प्रकार आप लोग सर्च कर देना, जैसे मैं सर्च कर दिया, ठीक है। जैसे आप लोग सर्च कर दोगे यहाँ पास कंटिन्यू टू स्टूडियो में ओपन कर देना है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे तो आप लोग सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, ठीक है। देख लो आपके चैनल के पूरा डेस्कटॉप ओपन हो जाता है और यहाँ पर सबसे नीचे उल्टे हाथ साइड एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे यहाँ पास से आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यही पास से सारा राज छुपा है शॉर्ट जियो व्यूज से छुटकारा पाने का, ठीक है। अब आप लोग उल्टे हाथ साइड एक चैनल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। देखो भाई साहब मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है, आप लोग को भी क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखना, एक आप लोग को ऑप्शन मिलेगा बेसिक इन्फो का, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे यहाँ पास आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड का, ध्यान दो कि एक ऑप्शन मिलता है कीवर्ड का। अब काफी सारे नए क्रिएटर शॉर्ट्स वाले यहीं पास गलती करते हैं जिससे उनके शॉर्ट व्यू पर जीरो व्यूज आता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पास कीवर्ड यार ऐड ही नहीं करते हो, और काफी सारे क्रिएटर ऐड तो करते हैं पर लेकिन गलत कीवर्ड ऐड कर देते हैं जिससे उनका वीडियोस रैंक नहीं करता है और यूट्यूब के सिस्टम को भी यार पता नहीं चल पाता है कि आपके वीडियोस को बूस्ट करे या ना करे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास कीवर्ड यार ऐड करना पड़ता है, कैसे ऐड करना है मैं आप लोग खुद यार ऐड करके ही बताऊंगा, और कौन कौन से वायरल कीवर्ड ऐड करना है मैं आप लोग बताऊंगा, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले आपके चैनल का जो भी नाम हो यहाँ पास आकर आप लोग को ऐड करना है, क्योंकि आप लोग सबसे पहले यह बताना है यूट्यूब को कि आपके चैनल का नेम क्या है और आप लोग यहां पर आकर ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है मैं आप लोग बताता हूं, यहां पर इस पर आप लोग क्लिक कर देना ऐड टूल्स पर, और आपके जो भी चैनल का नेम हो
आप लोग डालकर इसको इसमें क्लिक कर देना। देख लो पहले चैनल करने मेरा ऐड हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर वायरल कुछ कीवर्ड ऐड करना पड़ता है, जो मैं बताता हूँ उसको बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पास कुछ ऐसे वायरल टैग डालूंगा और वही वायरल टैग आपको भी ऐड करना है, ठीक है। जैसे मेरा टैग का चैनल है तो मेरे टैग के रिलेटेड कुछ बड़े चैनल हैं, जैसे मनोज देसर, टेक्निकल योगी, जुन्नू के टैग, स्प्रिंग ज्ञान, अरविंद जोन, क्रिएटर सर्च 2.0, ऐसे काफी सारे बड़े बड़े चैनल हैं। तो यहाँ पास मैं उन बड़े चैनल का नेम यहाँ पास आकर ऐड कर दूंगा। जितने भी बड़े चैनल हमारे चैनल से, मैं यहाँ पास आकर उन बड़े चैनल का नेम ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि भाई साहब उनके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आता है। अगर हम यहाँ पास उन बड़े क्रिएटर चैनल का नेम यहाँ पास ऐड कर देते हैं तो हमारे वीडियोस उनके पास पहुँचना स्टार्ट हो जाती हैं और हमारे भी वीडियोस पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं एक चैनल का नेम यहाँ पास ऐड कर देता हूँ अपने कैटेगरी के सबसे बड़े चैनल का नेम मनोज देसर का, ठीक है। तो आप लोग भी ऐड कर देना। देखो भाई साहब मैंने यहाँ पास ऐड कर दिया है, आप लोग को भी ऐड कर देना है। अब आप लोग यहाँ पास वायरल हैशटैग भी लगा देना है। कौन कौन से लगाना है? शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स एंड हैशटैग शॉर्ट, आप लोग ये तीनों वायरल हैशटैग आप लोग यहाँ पास कीवर्ड भी ऐड कर देना है। आप लोगों को कम से कम मैक्सिमम 15 कीवर्ड यहाँ पास ऐड कर देना है। जब आप लोग कीवर्ड ऐड कर दोगे यहाँ पास सिंपली आप लोग सेव कर देना है। जैसे आप लोग सेव कर देते हो तो आप लोगों का भाई साहब 30% काम हो जाता है, जिससे आपके शॉर्ट वीडियो पर जीरो भी से थोड़ा सा छुटकारा मिलना का दरवाजा यार खुल जाता है, ठीक है। अब आप लोग फिर से आपस में सेटिंग पर आता हूँ एंड यहाँ पास एक और सेटिंग रहती है, मैं आप लोग थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पास एक ऑप्शन मिलता है अपलोड डिफॉल्ट्स का, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पास एडवांस सेटिंग पर आ जाना। जैसे आप लोग एडवांस सेटिंग पर आते हो थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पास मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पास एक ऑप्शन मिलता है वीडियो लैंग्वेज का, ध्यान दोगे वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। अब आप खुद सोचो जब आप लोग वीडियो लैंग्वेज या सिलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पास लिख कर आएगा नॉट एप्लीकेबल, यानी आप लोग जब यहाँ पास कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करोगे तो YouTube के सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपके वीडियोस को कहाँ पास भेजना है, कौन सी ऑडियंस आपकी वीडियोस को देखना चाहती है, हिंदी वाली देखना चाहती है या तो इंग्लिश वाला देखना चाहती है या तो मराठी या तो भोजपुरी, कौन सी ऑडियंस को आप अपने वीडियोस को भेजना चाहते हो। तो आप लोग यहाँ पास लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पास जाकर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गई भाई साहब हिंदी लैंग्वेज? हम यहाँ पास हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी यह लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ गई हिंदी? ये रही हिंदी, ठीक है। तो मैं हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप लोग भी कर लेना। एंड यहाँ पास एक ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज का, ठीक है। ध्यान दो ये कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है और काफी सारे नए क्रिएटर कोई भी कैटेगरीज को सिलेक्ट नहीं करते हैं। जब आप लोग कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पास नन लिखा रहेगा यार, और जब नन लिखा रहेगा तो आपकी वीडियोस को यूट्यूब यार कहीं बूस्ट नहीं करेगा, जीरो व्यूज ही देगा, कहीं इंप्रेशन ही नहीं भेजेगा। क्योंकि यूट्यूब बोलता है पहले यार तू अपने यूट्यूब चैनल जाकर सेटिंग तो ऑन कर ले, कौन सी कैटेगरी रखना है यह तो सिलेक्ट कर ले, और आपने कोई कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं किया तो जाकर सिलेक्ट कर लेना भाई। यहाँ पास कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे मेरा टैग का चैनल है तो यहाँ पास मैं कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप लोगों का इंटरटेनमेंट को तो इंटरटेनमेंट कर लेना, फनी वाला हो तो फनी कर लेना, कॉमेडी वाला हो तो कॉमेडी कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग कर लोगे तो यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो तो आप लोगों का 70% यानी 2 पॉइंट काम हो जाता है यूट्यूब शॉर्ट्स का, जो एल्गोरिथम है आप लोग उसको जगा देते हो। अब आपके शॉर्ट्स वीडियोस पर 0-20 का जो छुटकारा है यार मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप लोगों को तीसरा पॉइंट जरूर देख कर जाना है। अगर आप तीसरा पॉइंट को समझ लेते हो तो आपके शॉर्ट वीडियो पर 100% 0-20 से छुटकारा मिल जाएगा। मैं सबसे पहले इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों तीसरा पॉइंट यह है, जो यूट्यूब का सिस्टम है, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। देखो दोस्तों YouTube का सिस्टम यानी YouTube का एल्गोरो कुछ इस प्रकार काम करता है। जब आप लोग अपनी शॉर्ट्स वीडियोस को अपलोडिंग करते हो ना
तो अपलोडिंग करते समय एक प्रोसेसिंग हुआ करता है, कुछ नीली नीली पट्टी का यहाँ पर प्रोसेसिंग हुआ करता है। तो आखिर प्रोसेस क्यों हुआ करता है थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब यह चेक करता है कि आपका वह वीडियोस ओरिजिनल है या नहीं है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोडिंग करते हो ना, तो यूट्यूब के सिस्टम को अपलोडिंग करते ही समय यूट्यूब को पता चल जाता है कि यह ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, तो आपके वीडियोस को पहले यार यूट्यूब यार नोटिफिकेशन भी नहीं भेजेगा और ना ही आपकी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट्स फीड पर भेजेगा। यूट्यूब का सिस्टम बहुत होशियार है, यानी AI जैसा यार बहुत ही होशियार है, वह पहले से समझ लेता है कि आपका यह ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, और जिसका ओरिजिनल कंटेंट रहता है तो यूट्यूब यार खुद उसकी वीडियो को बूस्ट करता है, खुद उसकी वीडियो को शॉर्ट्स फीड्स पर भेजना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लेकिन उनके पास भी यही प्रॉब्लम आता है, उनके शॉर्ट यूट्यूब पर 0 व्यूज आता है। तो देखो दोस्तों, यूट्यूब का जो सिस्टम है ना, आगे आप लोगों की बहुत ज्यादा परीक्षा लेता है। वह यह देखता है कि आपके पास कितना ज्यादा सहनशीलता है, आप लोग कितना ज्यादा धैर्य रखते हो या नहीं रखते हो। आप लगातार अगर शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, आपका कंटेंट बढ़िया है, यानी आप अच्छा एफर्ट डालते हो, आप खुद का यार ओरिजिनल कंटेंट है, तो ऑटोमेटिक यार यूट्यूब आपकी शॉर्ट वीडियो को बूस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है।